बात करते कांकेर की, जहां पर सड़कों पर चलना इन दिनों खतरों से खाली नहीं है। शहर की सकरी सड़कों पर पहले ही ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और सर बारिश के कारण जगह जगह जर्जर होती सड़कों ने चलना और भी मुश्किल कर दिया है। सड़क जगह जगह से खुल गई है। बड़े वाहनों के कारण सड़क पर कभी कीचड़ हो जाता है तो कभी बारिश रुकने पर बेहताशा धुंध उड़ाती है। परेशान हाल शहर के व्यापारी भी सड़क के चौड़ीकरण के लिए अपनी सहमति दे चुके हैं और अपनी दुकान तोड़ने को भी तैयार हैं, लेकिन पिछली सरकार में बात मुआवजे पर अटक गई थी। अब लोगों की कांग्रेस सरकार से उम्मीदें थी, लेकिन ये उम्मीदें पूरी होने के आसार अब नजर नहीं आ रहे। इसी वजह से यहां पर विधायक शिशुपाल शौरी अगले बजट सत्र में कांकेर पर ध्यान देने की बात कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में विपक्ष में रहने के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने कई बार कांकेर की कंकरी और जर्जर सड़क का मुद्दा विधानसभा में जोर शोर से उठाया था, लेकिन जब से कांग्रेस ने सत्ता संभाली है तब से लेकर अब तक इस विषय पर न तो कोई चर्चा हुई और न कभी इस बारे में सोचा गया। शहरवासी को उम्मीद थी कि कांग्रेस की सरकार बनी तो सड़क चौड़ीकरण का काम होगा, लेकिन अब कांग्रेस विधायक शिशुपाल शौरी के ताजा बयान से ये ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है। किंतु जो गड्ढे भरने के काम उन्होंने शुरू कर दिया है, मैं खुद भी शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक दिन हम सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ पूरे शहर भ्रमण किए थे और एक सिम्बॉलिक था तो हम जनता को भी मैसेज देना चाहते थे कि आपके सुस्तित में हम सब। आप देख सकते हैं कितनी सक्रिय सड़कें हैं। हालांकि दुकानदार तैयार हो गए थे बीजेपी सरकार के दौरान कि वो अपनी दुकानें पीछे कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस की जब सरकार आई तो इस दौरान कुछ नहीं सोचा गया और बीजेपी सरकार में भी ये जो प्रस्ताव था वो अटक गया। और जो सड़क जस की तस्वीर है, यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाता है और बारिश के दिनों में तो गड्ढे नजर नहीं आते, गाड़ियाँ गड्ढों में घुस जाती है, जिसकी वजह से जो राहगीर हैं उन्हें परेशानी होती है और साथ में जो वाहन चालक हैं उन्हें भी काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती है। आखिरकार इस सड़क को लेकर विधानसभा में भी कई बार मुद्दा उठा, लेकिन जब कांग्रेस विपक्ष में थी, लेकिन अब सत्ता में है, सत्ता में होने के बावजूद भी इस सड़क पर अब किसी का ध्यान नहीं है। बात कर